बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 23 अप्रैल 2020। जी मेरे भाई, आज 23 अप्रैल 2020 के मैं आपके साथ केस शेयर कर दूंगा। सऊदी अरब से आज किस शहर से कितने केस आए हैं और कितने आज लोग सेहतयाब हुए और कितनों की आज वफात हुई है 23 तारीख वाले दिन। तो 22 तारीख का आपको पता है सब हजरात को 1141 केस रिकॉर्ड किए गए थे सऊदी अरब के, जो काफ़ी बड़ा फिगर था। तो भाई यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, सऊदी वजारत सेहत की तरफ से आज एक ऐलान किया गया है कि 15% सऊदी हजरात हैं जिनमें ये वायरस आ रखा है और 85% यानी कि 85% खारजी भाई हैं जिनमें ये वायरस आ रखा है। जी मेरे भाई, जो खारजी गैर मुल्की मुकीम है सऊदी अरब में, 85% में ये वायरस आ रहा है और सिर्फ 15% सऊदी हजरात में है। तो अभी आज के केस तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख रखे होंगे 1158। जी मेरे भाई, 1158 यानी कि 1158 आज के केस रिकॉर्ड किए गए हैं सऊदी अरब से, जो कि काफ़ी बड़ा फिगर है। और अभी देख रहे हैं जी, मदीना 293 293। जी मेरे भाई, मदीना सरफरस्त है आज 24 घंटे कर्फ्यू होने के बावजूद, हालांकि मदीना के कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं, लेकिन 293 केस आज मदीना शरीफ से रिकॉर्ड किए गए हैं। तो मक्का दूसरे नंबर पर जी, 209 केस है। जद्दा 208 केस है। रियाज 157 केस है। हफूब 78 है जी। दमाम 43 है जी। जुबेल 40 है जी। तैह 32 है और नीचे खुबर 28 है। नेजा 13 है। ऐसे 2 4 5 10 नीचे चल रहा है। तो टोटल अभी तक सऊदी अरब में 13,923 केस रिकॉर्ड हो चुके हैं। जी मेरे भाई, 13,930 केस अभी तक सऊदी अरब में टोटल हो चुके हैं। 1925 अफराद अभी तक सेहतयाब हो चुके हैं और 121 अफराद की अभी तक डेथ हो चुकी है। तो मैं अभी आपके साथ तफसील शेयर कर देता हूँ, ये भी साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख रखे होंगे। 7 अफराद की आज वफात हुई है और 113 अफराद आज सेहतयाब हुए हैं। जी मेरे भाई, 7 अफराद आज वफात पा गए हैं और 113 अफराद आज सेहतयाब होने हुए हैं। तो 1925 अफराद अभी तक सेहतयाब हो चुके हैं और 121 अफराद की अभी तक डेथ हो चुकी है। 13,930 टोटल सऊदी अरब में केस हो गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया, हालांकि कुछ दिन पहले की रिपोर्ट थी कि 21% सऊदी और 79% खारजियों में ये वायरस आ रहा है। अभी ये खारजियों में वायरस भाई बढ़ रहा है और सऊदियों में कम हो रखा है। अभी 15% सऊदी है और 85% खारजी भाई हैं। तो खारजी भाई एक एक रूम में 5 5 6 6 अफराद हैं, शिरकों की रहाइशें हैं। इस वजह से अगर किसी को एक को मसला बनता है तो फिर सबको बनता है। तो अपना एहतियात कीजिए, एक दूसरे से अलग रहिए, जितना हो सके सफाई सुथराई का ख्याल रखिए, क्योंकि ये परदेश है भाई।